दोबारा मैंने ये खोला मिरर को, इंस्टॉल हो गया। मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा वॉच का, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक आ रहा है ऑप्शन क्लॉक का। क्लॉक को ओपन करने से पहले अपने फोन को ऐसा कर लीजिए कि वो ऑटो रोटेट हो जाए। अगर मैं फोन को इस तरह से करूं तो वो रोटेट हो जाए। मैंने क्या किया, यहां से सबसे कोने वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया। जैसे इस पे क्लिक किया, जब भी मैं फोन को सीधा पकड़ूंगा तो सीधी आएगी स्क्रीन, उल्टी पकड़ूंगा तो उल्टी आ जाएगी स्क्रीन। अब मैंने इसको हटाया यहां से, अब मैंने क्या खोला, क्लॉक को ओपन किया। यहां से क्लॉक को क्लॉक आ रही है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूं तो आ गई, और बस इसको दबाए रखो, ये आपकी वॉच बन गई। आप कहीं भी रख दो, बस टाइम आता रहेगा, अब टाइम आता रहेगा, आप कहीं भी रख दो, पूरी रात आपको टाइम चमकता रहेगा। ये ब्लू ब्लू अंधेरे में ये टाइम आपको चमकता रहेगा। कैसे करना है, यहां तो मैंने करके दिखा दिया, सामने करके दिखा देता हूं। हटा के क्लॉक पे क्लिक करना है, सामने इसको इस तरह से रोटेट करना है, इसको दबाए रखना है इस तरह से, बस अब कहीं भी रख दो, ये आपकी घड़ी का काम करेगा और पूरा चमकेगा भी, और ये ऐसे से घूमता रहेगा टाइम इसके चार, पर ये बंद नहीं होगा, चलता रहेगा, ये स्क्रीन ऑफ नहीं होगी, ये चलती रहेगी। ठीक है, ऑफ ऐसे होगी, जब इसको हटाऊंगा यहाँ से तब जाएगी। मतलब आपने करा और सामने छोड़ दिया, तो जब भी आप सुबह उठोगे तो दिख जाएगा टाइम कितना हो रहा है, तो आपको एक नई घड़ी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चाहे आप अलार्म भी लगाओगे तो अलार्म में भी दिखा देगा कितना टाइम हो रहा है। सभी के फोन में नहीं होता।